हेलो एवरीवन, आज की मेरी रेसिपी है सर्दी में गर्माहट देने वाली तिल की बर्फ़ी, जिसे आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत कम खर्च और आसानी से घर में से आप बना सकते हैं। जो खाए बस मांगता रह जाए। तो ऐसी बनाते हैं तिल की बर्फ़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप तिल, और ये बिना पॉलिश वाला तिल है। तो इसे पहले हम ना पैन में डालकर अच्छे से भून लेंगे। आराम आराम से धीरे धीरे इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे आपको तिल को भूनने में। बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो तिल जल भी सकता है। तो इसे आराम आराम से भून लेना है। भूनने के बाद इसका कलर जो है कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, मतलब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। और जब आप इसको तोड़ के देखेंगे ना तो क्रिस्पी हो जाएगा ये, तो समझ लीजिए आपका जो तिल है वो भुन चुका है। इसे हम डाल देंगे मिक्सी के जार में, और इसे हम अभी नहीं पीसेंगे, ठंडा हो जाने के बाद ही पीसेंगे। तो कुछ और चीज़ें हैं जो हम इसमें अभी मिलाने वाले हैं, तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं पहले। और फिर से हमने ले लिया है पैन, उसमें डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट 2 बड़े चम्मच। इससे जो टेस्ट है ना बर्फ़ी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा घी डालेंगे, बिल्कुल 2 से 4 बूंद, मतलब 1/4 चम्मच आप समझ लीजिए, छोटा चम्मच। हल्का सा इसे भी हम भून लेंगे, और इसका भी देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, भून चुका है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी इससे खुशबू आ रही है, मतलब नारियल जो है वो भून चुका है अच्छे से। तो हम इसे भी क्या करेंगे, मिक्सी के जार में ही डाल देंगे, और इन सबको हमें ठंडा करके ही पीसना है। तो डेसिकेटेड कोकोनट को भी हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है, और यकीन मानिए टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इससे। अब हम यहाँ पर ले लेंगे काजू। काजू हमने लिया है 1/3 कप, और थोड़ा सा घी इसमें भी डाल देते हैं, बस 2 बूंद के बराबर। और इसे भी हम इसी तरह से करके भून लेंगे, मतलब रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे, समझ लीजिए अब काजू भुन चुका है। इसको भी हम अब मिक्सी के जार में डाल देंगे, और ठंडा करने के बाद ही हम इसे पीसेंगे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने चीनी लिया है, और 1/2 कप जितना ही पानी डाल दिया है। चीनी को हम मेल्ट होने तक पका लेंगे इस तरह से। अच्छे से पहले चीनी को मेल्ट करेंगे, और देखिए चीनी मेल्ट हो चुका है। तो हमें इसमें कोई तार नहीं लाना है, बस हल्की सी तार बनने लग जाए ना, समझ लीजिए जो आपकी चाशनी है बनकर तैयार हो चुकी है। मतलब चीनी घुलने के बाद 2 से 3 मिनट इसे और आपको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। और वो जो तिल था ना, हमने पीस लिया है तिल, काजू और नारियल को, और उसको चाशनी में डाल दिया है। साथ में डाल दिया है मिल्क पाउडर 1/4 कप। इससे जो बर्फ़ी हम बनाएंगे उसकी रिचनेस काफ़ी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल पैन छोड़ने ना लगे। पैन छोड़ने लग गया मतलब समझ लीजिए आपका जो ये मिक्सचर है ना अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है, कोई घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए प्लेट ले लिया है हमने, ग्रीस कर लिया है इसको घी से, और यहाँ पर ये जो मिक्सचर है ना अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। पैन छोड़ने लग गया तो समझ लीजिए मिक्सचर बनकर तैयार है, कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। और अब हम इसको प्लेट में फैला लेंगे अच्छे से, कोई भी आप प्लेट लें बड़ा छोटा, और उसको ग्रीस कर लें बस घी से, और उसके ऊपर इसको डाल दें। हम ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे, चाहे तो आप यहाँ पे पिस्ता की कतरन या बादाम की कतरन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ डाला नहीं है। और अब ये ठंडा हो चुका है, तो हम इसको इस तरह से करके कट कर लेते हैं, और आपको एक पीस निकाल कर दिखाते हैं कि ये सेट हुआ है कि नहीं। अभी आप इसे 2 से 3 घंटा छोड़ेंगे ना तो ये आराम से सेट हो जाएगा। देखिए अभी हल्का सा इसे सेट होना और बाकी है। तो अब ये पूरी तरह से सेट हो चुका है, कुछ देर मैंने छोड़ दिया था, और ये इतना सॉफ्ट बर्फ़ी बनके तैयार हुआ है ना कि आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, इतना टेस्टी ये बर्फ़ी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।